तो क्या हो गया? शेर अकेला वो बहुत था। शेर का शिकार कुत्ते कर सके क्या? कर सके? शेर थान आया, कौन भाग गया? कौन भाग गया? अरे तो क्या हो गया, घर चले गए? आरएसएस ने एक प्रोपगंडा पूरे देश में घड़ दिया, तो जो भी तुम्हें तुम्हारा विरोध करे इसे देशद्रोही कह दो, वो चुप बैठ जाएगा। इन्होंने स्टूडेंटों को देशद्रोही कहा, वे चुप हो गए। इन्होंने मुस्लिमों को देशद्रोही कहा, वे चुप हो गए। अब के इनके बाप आ गए किसान। मैं भी सोच रहा था एक दिन मेरे से मियाँ खलीफा का नाम पूछ लिया, मैं तो आदमी सोच रहा था, ये तो औरत है। पहले दिन पूछा, मैंने सोचा आदमी है मियाँ खलीफा कोई, कल किसी बच्चे ने बताया ये तो लेडीज है। अच्छा उससे आगे क्या पूछना, लेडीज है? अब लाला रामदेव कहाँ पड़ गया? मैंने तो एक उसकी वीडियो बहुत दिन बाद पड़ी, ढूंढ के निकाली कल, जिसमें रजत शर्मा के दौरे बैठा था उसी के, उसमें वो अदालत जो लगा हुए उसमें, और बड़ा हंस हंस क्या कह रहा था, 35 रुपये लीटर चाहिए था वोट किसे दोगे? हैं? तो ऐसे कर कर गए। और फिर आ रहा सरकार को उसके लिए बजट चाहिए, तो इसलिए है सरकार को, तो चमचागिरी बहुत होती है। मैं तो उससे पूछना भी चाहता हूँ, माल स्वदेशी भेज रहा है, बेच रहा है या विदेशी बेच रहा? तो एक पत्रकार ने कहा स्वदेशी बेच रहा है। तो मैं कहा रामदेव जी से पूछना, जब रामलीला ग्राउंड से भागे थे तो सिलवार स्वदेशी थी या विदेशी, पूछो। अब कहाँ है, किस स्वदेशी या विदेशी पेटीकोट में बैठे हैं? और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, क्या कंगना रनावत के पास गए हैं? क्या मियाँ खलीफा के दौरे जाना है? पूछो अब इससे, क्यों? क्योंकि ऐसे नालायकों की बेइज्जती ऐसे ही करनी पड़ेगी कि जो हमें आतंकवादी कहेगा, जो हमें खालिस्तानी कहेगा, जो हमें टुकड़े टुकड़े गैंग कहेगा, हम भी उनको उसी की भाषा में जवाब देंगे, तब इनको पता चलेगा। बाबा ऐसे ठुल्लू है, बाबा बाबा, जी बाबा नहीं है, योग गुरु नहीं है, रोग गुरु है, देश का रोग है, सारे देश को लूट के खा गया। कौन सी मशीन है उसके पास कि इतनी जल्दी धन? एक बात और बताइए, देखिए जब से ये सरकार आई 2014 में, उससे पहले आपने टुकड़े टुकड़े गैंग का कोई नाम सुना था? ये आगे एक नया शब्द ले आया इन्होंने, एक पूरा वो घड़ा प्रोपगंडा, क्योंकि आरएसएस का प्रोपगंडा है ये। आरएसएस ने एक प्रोपगंडा पूरे देश में घड़ दिया कि जो भी तुम्हें तुम्हारा विरोध करे उसे देशद्रोही कह दो, वो चुप बैठ जाएगा। इन्होंने स्टूडेंटों को देशद्रोही कहा, वे चुप हो गए। इन्होंने मुस्लिमों को देशद्रोही कहा, वे चुप हो गए। अब के इनके बाप आ गए किसान, तब इन्हें कुछ ही कह लो, हमारे पर फर्क पड़ता ही ना, और इनके हलक में हाथ दे देगा किसान। अरे यार ऐसी 365 धाराएं लगे हैं हम पे, जब आंदोलन करोगे तो मुकदमे भी होंगे, जेल भी जाओगे, और जो डर गया समझो मर गया, किसान कभी नहीं डरता। भेजो ना ये तीनों काले कानून वापस, लो एमएसपी पे गारंटी का कानून बनाओ, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करो, और आजीवन कारावास मुझे करो, कोई फर्क पड़ता ही नहीं। हमने भी तो एक ही मांगा था, एक के साथ एक गुजरात ने फ्री कैसे भेज दिया हमारे दौरे, तो ऐसे ही हम मांग रहे गुजरातियों से। और तो हम भी तो आंदोलन करके ही कराएंगे इनसे। और तुम्हें लगता है किसान मान जाएगा? नहीं, मैं तुम्हें लगता है किसान मान जाएगा? अरे तू इसमें यूज वो लगवा दे फोर्स, और रफेल और खड़ा करवा दे, हम जोर पड़ रहा, कुछ कर ले, हम डरे हैं, हम डरे हैं। अरे आप डरते नहीं, तो उस दिन 28 तारीख को कहां भाग गए थे सबके, किसी के पेट में दर्द, सर में दर्द, काम तक गए थे, अकेले छोड़ गए। तो क्या हो गया नेताजी को अकेले? तो क्या हो गया, शेर अकेला वो बहुत था। ये बात मानता हूं, शेर का शिकार कुत्ते कर सके क्या? कर सके? शेर थान आया, कौन भाग गया? कौन भाग गया? सारे बहुत कम लोग थे उस दिन। अरे तो क्या हो गया, घर चले गए? कौन सी आफत आ गई? अरे तुमने आंदोलन देखे ही नहीं, तुमने पहला आंदोलन देखा। आंदोलनों में ऐसी चीज चलती रहती है, इससे मत घबराओ। अच्छा, और शेर ने एक दहाड़ मारी,
सारे चित्ते निकल के आ गए। कहाँ गए कुत्ते, कहाँ गए? अरे क्यों डरते हो तुम? वो न गए होंगे, क्यों डरते हो तुम? सुनो सुनो, एक किसान हो चाहे 1,00,000 किसान हो, किसान शब्द होना चाहिए। यहाँ एक किसान का भी वजन उतना ही है और 1,00,000 का भी उतना ही है। क्यों? क्योंकि ये ईमानदारी से किसान खड़ा है, ये कोई नहीं है। संख्या बल पे मत जाओ, संख्या बल पे उस दिन जाएंगे जिस दिन देश की ट्रेनें चल जाएंगी, उस दिन संख्या बल सरकार को दिखाएंगे। तो आपको क्या लगता है बिल वापस लेगी सरकार? आपको लगता है किसान मान जाएगा? हमें तो नहीं लग रहा। बस तो परेशान मत हो, शांति से रहो, उपद्रव मत करना, शांति से रहो, आंदोलन चलने दो शांति से। कोई गलत आदमी दिखाई दे उसको मारना पीटना मत, पकड़ के सौंप देना। नहीं ये तो गलत है, किसानों का जो सम्मान जो समर्थन करेगा उनका दिल से स्वागत है। और जो ये कह रहे हैं आंतरिक मामला है, आंतरिक मामला जब नहीं था जब अमेरिका में हमारे देश के प्रधानमंत्री जाके कह रहे थे, अब की बार ट्रंप सरकार, वो उनका अमेरिका का आंतरिक मामला नहीं था। या जब नहीं था जब प्रधानमंत्री जी विदेशों में जाते थे और वहाँ मोदी 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 होती थी, तब नहीं था। तब तो बहुत अच्छा लगता था उन्हीं का ट्वीट, आज उनका ट्वीट आ गया किसानों के संबंध में तो बहुत बुरा लगने लगा। मुझे ऐसा लग रहा विदेशों से ट्वीट नहीं सैनिटाइज हो गया है और भारत के कीड़े जो थे वे बिल बिल आ गए हैं। कंगना देश की गृह मंत्री है क्या, प्रधानमंत्री है? मोदी से क्या रिश्ता है इसका, देश पूछना चाहता है? नहीं मुझे नहीं पता, मैं तो पूछना चाहता हूँ, देश पूछना चाहता है कि कंगना को, मैं गृह मंत्री से भी पूछना चाहता हूँ आपके साथ क्या रिश्ता है, कि उसका एक जरा सा छज्जा टूटा और उसको जो है Y+ या Z+ श्रेणी की सुरक्षा दे दी, क्या रिश्ता कहलाता है कंगना का इनसे, देश पूछना चाहता है। मैं भी सोच रहा था एक दिन मेरे से मियाँ खलीफा का नाम पूछ लिया, मैं तो आदमी सोच रहा था, ये तो औरत है। सच्चाई है ये, मुझे नहीं पता था। पहले दिन पूछा, मैंने सोचा आदमी है मियाँ खलीफा कोई, कल किसी बच्चे ने बताया ये तो लेडीज है। बस उससे आगे क्या पूछना, लेडीज है। नहीं भाई मैं ये सोच रहा था नाम जो है, नाम की वजह से। देखिए वो उनका अपना पैसा है, किसी के पैसे पे मुझे क्या लेना, कोई यहाँ नाचे चाहे वहाँ नाचे, वो उनका अपना पैसा। पर हाँ, पर हिंदुस्तान का जो ये है ना, क्या बोलते हैं फिल्म इंडस्ट्री, ये तो इतनी गंदी हो गई है, कहोगे तो तुम्हारे बेडरूम में भी नाच जाएंगी, पैसे होने चाहिए। नेता बिक गए, अभिनेता बिक गए, बिक गए क्रिकेट के भगवान, नेता बिक गए, अभिनेता बिक गए क्रिकेट के भगवान। एक ही शख्स देश में बचा है जो नहीं बिक सकता, उसका नाम है भारत का किसान। किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता, जिंदाबाद। बाबा जी का ठुल्लू। मैं बता देता हूँ, अरे गांव में मंदारी आता है, मंदारी उसके पिटारे में हर चीज होती है, कुछ भी मांग लो वही दे देगा, और जब खेल खत्म तो सारी चीज खत्म। तो वही मोदी जी झांसा दे रहे हैं कि बता रहे हैं बजट में इतना दिया, मान लीजिए सड़क के लिए 1,00,000 करोड़ दिया, लेकिन फिर बता रहे हैं उसमें जरा सा लिख रखा बारीक सा कि ये पैसा 5 साल में खर्च होगा। अरे बजट 1 साल का बनता, अगले साल दूसरा बनेगा, अगर 1 साल के लिए ही था तो 20,000 करोड़ रखते। नहीं तुम्हें दिखाने के लिए बजट इतना बड़ा कर दिया है, धन इतना दे दिया है, जैसे ये कंपनी वाले लिखते हैं ना सारी चीख के लिख के और नीचे लिख देते हैं कंडीशन अप्लाई, ऐसे लिख रखा। किसान आंदोलन का परिणाम जिस दिन लिखा जाएगा, सत्ता के दलालों को लगे फांसी ऐसा उसमें लिखा जाएगा। शादियां उन्हीं छोरों की होंगी हिंदुस्तान में जिनके सीने पर खून से इंकलाब लिखा होगा। ईवीएम है ना इनके पास, कन्वर्ट करते हैं। अरे जिस देश ने ईवीएम बनाई उसने अपने देश में चुनाव नहीं कराया इससे, तो वो तो पहले वाली सरकार भी ईवीएम से चुनाव करवाई। यार मैंने आप फिर वहीं ले गए, तुम भी इस मोदी की तरह हो गए कि
20 घंटे काम करता हूँ और रात को नेहरू आ जा सारा रायता बखेर जा, 20 घंटे काम करूँ रायता बखेर जा नेहरू। अरे पिछली सरकार गई गड्ढे में, बात उसकी कर जो वर्तमान में। जो मुद्दा चल रहा सवाल सरकार से होते हैं, विपक्ष से नहीं। और जोन से तुम मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करते हो, उस पे जो है चार आदमी बैठते हैं, एक मुद्दे का पक्ष में, एक विपक्ष में, एक होता है दोनों को हड़काने वाला और एंकर होता है भड़काने वाला। और बात होती है गरीबी की रेखा पर और वे बहस करते रहते हैं रेखा की गरीबी पर। ये है इस देश का दुर्भाग्य। अरे गधे को कितना साबुन से नुहा लो, घोड़ा नहीं हो सकता, तो ये गधे के गधे ही रह जाएंगे। मीडिया हिंदुस्तान के अंदर जो बड़े चैनल थे जिन पे लोगों को विश्वास था वो तो खत्म हो गया। अब सोशल मीडिया पे विश्वास है। और कुछ दिन और रुक जाओ, कुछ दिन और रुक जाओ, जितने बड़े चैनल हैं उनका पत्रकार यहाँ खड़ा होगा चौराहे पे और यहाँ से अपना टेंटवा पकड़ेगा और कहेगा माँ कसम आज जो खबर दिखा रहा हूँ बिल्कुल सच्ची दिखा रहा हूँ। ऐसा करेंगे फिर भी कोई नहीं देखेगा।